आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनावी परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के साथ साथ किसी पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हुई। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, गाजीपुर, बलिया, बस्ती से तस्वीरें सामने आई है, जहां पे प्रत्याशियों की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ उन्नाव से, भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीते। बड़ी खबर सामने आ रही है आजमगढ़ से, निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु जीते। जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशु जीते। रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जीते। आगरा फिरोजाबाद से भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे जीते। गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते। बस्ती से भाजपा प्रत्याशी सुभाष यदुवंश जीते। बलिया से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जीते। लखनऊ उन्नाव से भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीते। हम थोड़ा सा पहले कोरोना काल में चलना चाहते हैं। कोरोना काल में पूरा प्रदेश, देश, दुनिया भयाकर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ था। हर व्यक्ति को किसको वेंटिलेटर जरूरत है, कोरोना किसी क्या मदद करनी है, सब लगा हुआ था। लेकिन विपक्ष एकदम सोया हुआ था, शून्य में था, विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा था। जो विपक्ष के लोग आज नेतृत्व 4 महीना से चुनाव निकल के आए हैं, उनके गिरवान में उनकी आत्मा से पूछिए कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया। तो विपक्ष तो शून्य है। और जो आप अभी विधान परिषद चुनाव की बात कर रहे हैं, एक एक BDC चुना हुआ व्यक्ति होता है, एक एक प्रधान चुना हुआ व्यक्ति होता है, और वो चुनाव गलत नहीं करता है जी। ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत। हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है, और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। और हमारे मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक है, मुझे लग रहा है 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। 3266 वोट से हमारी विजयी हुई है। इस जीत के पीछे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में 2014 से 2022 तक कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स का चुनाव था, प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, सभासद, मेयर, सभा पार्षद, विधायक, सांसद, जो वोट करते हैं उनके द्वारा जो काम किए गए उसका एक परिणाम है कि इस लोकल बॉडी MLC के अंदर हम जैसे कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उन मतदाताओं ने हमको जिताया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। यह जीत हमारे संगठन के तीनों जिला अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे तीनों सांसद, हमारे सभी विधायक और जिला पंचायत के अध्यक्ष, और इसके अलावा जिला पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान, BDC, ये सब लोगों के साथ हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के, जो उन्होंने मेहनत की, पराकाष्ठा की थी, इन सब कारण से हम लोगों को यह विजय मिली है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। इसी तौर से मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमको रायबरेली जनपद में भेजा, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, और पंचायत प्रतिनिधि भी उस कसौटी पर खड़े उतरे रायबरेली जनपद के। मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की बदौलत,
बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा, तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता। शुमारी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, सपा का सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी ने। पहले विधानसभा का चुनाव जिसमें अच्छी खासी जीत दर्ज करी, उसके बाद अब विधान परिषद का चुनाव किस तरह से देखते हैं? सिर्फ 3 सीटें अदर पार्टी के पास गई, जिसमें से 2 निर्दलीय और 1 राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास गई है। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 36 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें से 9 सीटें भाजपा निर्विरोध जीती थी, वही 27 सीटों पर मतदान हुआ। 9 अप्रैल को इसका मतदान हुआ, जिसमें भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ 36 में से 33 सीट निकाल दी। वहीं अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़, आजमगढ़ और वाराणसी से बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है, और वहीं समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए और बसपा की, तो दोनों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वहीं अगर बात की जाए तो आपके प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह, जो कि राजा भैया के बेहद करीबी हैं, वो जनसत्ता पार्टी से वो चुनाव जीते हैं। वहीं साथ ही साथ बाहुबली और माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अपूर्णा सिंह, जो कि निर्दल प्रत्याशी थी आपके वाराणसी से, वो चुनाव जीत चुकी है। वहीं अगर आजमगढ़ चले तो आजमगढ़ से विक्रांत सिंह, जो कि भाजपा से निष्कासित थे, वो निर्दल के तौर पर अपना पर्चा भरे और वो भी चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ और उन्नाव परिक्षेत्र में तो 4018 वोट थे, तो वही रामचंद्र प्रधान चुनाव में जीत चुके हैं और लगभग उन्हें 3487 वोट मिले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र से पिछले 2 चुनाव से, चाहे बात की जाए तो 2 कार्यकाल जो कि सपा के नेता सुनील कुमार साजन वहां से हुआ करते थे, उन्हें करारी हार मिली है, जो कि रामचंद्र प्रधान 3487 वोट पाए हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकती है शिखा कि 58 जिलों में ये चुनाव हुए और 36 सीटों में से 33 सीटों के साथ भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ विधान परिषद में अपनी जगह पक्की कर ली है। और वहीं आपको बता दें कि 42 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी निचले सदन में भी बहुमत बनाने जा रही है। जैसे कहा, लेकिन दावा वादा तो सपा की तरफ से काफी किया जा रहा था कि अच्छी टक्कर देंगे, और जिस तरह से आरोप भी लगाए गए कि जानबूझ के बीजेपी ने पर्चा दाखिल नहीं होने दिया, तो इन सब आरोपों को भी क्या कहेंगे? जी, साफ तौर पर ऐसा, अभी मैं कुछ दिन पहले एक सुमित प्रताप साहिक से बात कर रहा था एक कार्यक्रम के दौरान, उनका साफ तौर से कहना था कि जब भी समाजवादी पार्टी की हार होती है तो वो ऐसे बातों को कहती है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखें तो धांधली के आरोप पर्चा दाखिला के ही समय से लगाए जा रहे थे, मगर शिखा आप देख सकती है पिछले चुनाव को भी, तो साफ तौर पर ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं देखें तो जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे बात की जाए नगर पालिका के पार्षद होते हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य, चाहे जिला पंचायत सदस्य, जो लोकल अथॉरिटी से लेकर और जो भी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वो MLC चुनाव में वोट करते हैं, तो उनका वोट कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के पक्ष में गया है। और वहीं आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब विधान परिषद में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका नतीजा 36 में से 33 से सामने है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता भांशुमणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पर यह सत्ता का चुनाव होता है और इसी के परिणाम सामने आ रहे हैं, जहां सत्ता में इस वक्त मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी की ही जीत हुई है। रुक करते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ का पहला वर्ष पूरा होने के मौके में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई सलाह का भी जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से आग्रह किया है कि व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर लोग छोटे
छोटे संकल्प लें तो 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश को अधिक शक्तिशाली और महान बनाया जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक होना होगा। मित्रों, आजादी का इतना बड़ा संघर्ष, अनेक विविध प्रकारों से संघर्ष, कहीं सशस्त्र संग्राम हुए, कहीं गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन हुआ, अहिंसक आंदोलन हुआ, कई लोगों ने साहित्य के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अनेक प्रकार से असहयोग करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए आजादी की लड़ाई, अनेक विविध तरीकों से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई। और 1857 से 1947 का यह संघर्ष आज की पीढ़ी के मन में फिर से एक बार जागरूक करना है। इसको सिर्फ इतिहास, इसकी जानकारी उनको नहीं दे सकता। मोदी द्वारा दी गई सीख का जिक्र किया है और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, अमित शाह ने सीख दोहराई है और कहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक होना होगा, तो नई पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की, उसके बारे में जानकारी एकत्र करने की, जागरूक होने की कितनी जरूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल सही बात है कि जो युवा है वो देश के कर्णधार है और युवाओं के जो कंधे पर है देश का विकास निर्भर करता है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि जो सीख उन्होंने दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को आगे आने के लिए उन्होंने कहा है 25 साल का संकल्प लेना चाहिए जिससे देश एक अभूतपूर्व प्रगति करे। उसके लिए उन्होंने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमृत महोत्सव है वो लगातार एक साल उसको पूरा हो चुका है और अब जो 15 अगस्त 2023 में तक इसके लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे। जो 75 साल है वो इस बार 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं, तो वह बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं लगातार देश में अमृत शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम किए जाए, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पूरे देश की बात करें, अलग कार्यक्रम वहाँ पर किए जा रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, चाहे विशेष योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता में उनको भी लाभ दिया जा रहा है और साथ ही साथ कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिसको अमृत शताब्दी महोत्सव के तहत शुरू किया जा रहा है। जी, जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 25 साल बाद किसकी सरकार होगी ये नहीं पता, लेकिन देश होगा उसको आगे बढ़ना है और इसी को लेकर संकल्प लेने की बात भी कही है, तो देश तो आगे बढ़ेगा सरकार कोई भी हो, लेकिन जो ये संकल्प लिया जा रहा है आने वाले भविष्य में अगर सरकार बदलती है तो क्या इसको इसी तरह सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी महत्वता के बारे में भी जानना चाहेंगे। गौरव, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहना, जब तक जो देश के युवा हैं वो आज़ादी के मतलब को नहीं जानेंगे, आज़ादी की जो कीमत है उसको नहीं जानते, तो जान नहीं पाएंगे कितने कठिन संघर्षों के बाद हमने आज़ादी कही है। बरसों हम गुलाम रहे हैं और बरसों गुलाम होने के बाद 15 अगस्त 1947 में हमको आज़ादी मिली, तो निश्चित रूप से बड़ा महोत्सव यहाँ पर किए जा रहे हैं और इन महोत्सव के माध्यम से भी युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि युवाएं जो युवा हैं देश के जो कर्णधार हैं और देश के भविष्य हैं उनको देश की जो आज़ादी है इसका किसकी कीमत को इसके मूल्य को समझना होगा, तभी हम 25 साल के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और सरकार भले ही किसी भी पार्टी की रहे उसमें कोई अलग बात नहीं है, सरकार आती है जाती रहती है, पर यहाँ पर युवाओं का एक संकल्पबद्ध होकर देश के जो विकास में योगदान देना बहुत जरूरी है, तभी हम भारत जो है वो अभूतपूर्व विकास कर पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो संकल्प लेना जरूरी है ताकि देश आगे बढ़ सके और महान बन सके। अमित शाह ने कहा है कि सभी संकल्प लें तो और महान बनेगा देश। तो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। आजादी के अमृत महोत्सव का 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पहले अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के 3 निजी स्कूलों में कोरोना की दस्तक के बाद हड़कंप मच गया है। पहले गाजियाबाद और अब नोएडा के स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित खेतान स्कूल में
3 टीचर और 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य स्कूल के 5 स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बीते दिनों गाजियाबाद में भी 2 स्कूली छात्रों के संक्रमित होने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो पहले गाजियाबाद और अब नोएडा में बच्चों के ऊपर कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां स्कूली बच्चे संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के 2 स्कूलों से 5 बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी, जहां उन्हें 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, स्कूल को सैनिटाइज किया गया और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से आगे की पढ़ाई के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही बच्चों के परिवार को सूचित कर दिया गया था और जांच कराने के निर्देश भी दिए थे। तो वहीं अब नोएडा से ये खबर सामने आई है, जहां पर बच्चों में कोरोना संक्रमण मिला है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 40 स्थित खेतान स्कूल में 3 टीचर समेत 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पहले गाजियाबाद में 2 स्कूल जहां पे कोरोना के मामले सामने आए और अब नोएडा में भी, तो क्या बच्चों के ऊपर एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण खतरा लौट रहा है? देखिए शिखा, बता दूं आपको, जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर में लगातार 2 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए जाते हैं, उसके बाद जिला प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद पूरे स्कूल को सैनिटाइज भी किया जाता है। साथ ही उन बच्चों को, खास तौर पे जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, उनके भी रैंडम टेस्ट करने की बात कही जाती है। साथ ही आपको बता दूं, जिस तरह से गाजियाबाद से सटा नोएडा है, नोएडा के जो सेक्टर 40 खेतान पब्लिक स्कूल में ऐसे ही बड़ा एक बम विस्फोट हुआ है बच्चों के ऊपर, जो कोरोना को लेकर खास तौर पे उनको उसमें संक्रमित पाए गए हैं बच्चे, ज्यादातर 13 बच्चे बताए जा रहे थे, लेकिन अब लगभग जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद पता चल रहा है 17 से अधिक बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही जो वहाँ टीचर थे, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनमें भी कोरोना के संक्रमण पाए गए। जी शिखा जी, हम ये जानना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है स्कूल में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में जिले में कितने प्रतिदिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए शिखा, बता दूं कि पहले के मुकाबले जिस तरह से जो कोरोना के संक्रमित के मरीज निकल आ रहे थे सामने, लेकिन कुछ कमियां बीच में हुई थी, लेकिन फिर अचानक से बच्चों के अंदर में संक्रमण पैदा हो जाना, उनके अंदर लक्षण पैदा हो जाना कोरोना के, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय दिख रहा था। तो आपको बता दें कि जो नोएडा में इस समय पर सबसे बड़ा बम विस्फोट माना जाएगा इसको कोरोना का, जो बच्चों के अंदर संक्रमित हुए हैं, साथ ही टीचर्स भी जो संक्रमित हुए हैं, लेकिन जो अब जो कोरोना की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है गाजियाबाद समेत पूरे NCR में। जी जी प्रवीण, बड़ों का तो वैक्सीनेशन हो गया है, दोनों डोज लग चुकी है, अधिकतर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, अब छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा? क्योंकि अभी टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उनको पहली डोज लगी है, बच्चों को नहीं लगी है, इस वजह से अब उनपे खतरा मंडरा रहा है कोरोना का, तो क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए हाँ, बिल्कुल, जाहिर तौर पे बता दूं कि जो बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं डिले होती हुई नजर आ रही है। अगर ये प्रक्रिया जिस तरह से आने वाले जो बूस्टर डोज थे या बड़े जो जिनकी अधिक उम्र थी उनको भी लग चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए अभी ये मामला, जिस तरह से स्कूल खोल दिए गए हैं, आपको बता दूं स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए थे जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से मार्केट में ना आ जाती। जी जी, अगर बात करी जाए वैक्सीनेशन की, तो गाजियाबाद में अब तक कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन युवाओं का साथ ही टीनेजर्स का हो चुका है? शिखा दोबारा दोहराइए अपना सवाल। सुन जी प्रवीण, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन लोगों का पूरा हो चुका है, वो चाहे 15 प्लस हो, 18 प्लस हो। शिखा बता दूं आपको, लगभग मैं आपको गाजियाबाद समेत पूरे NCR में जो मेरे पास खबर आती है उस खबर के आधार पर लगभग 60% जो व्यक्ति हैं या जो 60 साल से उम्र के व्यक्ति हैं उनको भी वैक्सीनेशन 60% तक अब तक पूरा हो चुका है। बात करी जाए बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर, तो बच्चों की वैक्सीनेशन कब आएगी और कब बच्चों को लगेगी, कौन सा ऐसा डोज आएगा जिससे बच्चे जो हैं सिक्योर हो जाएं और अपने स्कूल को सुचारू रूप से अपने स्कूल में और पढ़ाई कर सके। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़े थे।
वहीं अब खबर बदायूं से है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से बच्चों की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा छूट गई। जब परिजनों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने होम साइंस की जगह गणित का विषय चुना था, लेकिन विषय सही चुनने के बाद भी प्रवेश पत्र में गणित विषय नहीं था, जिसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने हाथ से विषय को काट दिया और कहा कि जाओ विषय सही हो गए हैं, आप लोग परीक्षा देने जा सकते हैं, लेकिन प्रवेश पत्र की डेट के हिसाब से जब होम साइंस का पेपर हुआ तो बच्चे उसमें अनुपस्थित रहे और गणित का पेपर जिस दिन था तो उस दिन वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन चेकिंग के दौरान बच्चों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर छूट गया। तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो 5 बच्चों की स्कूल की परीक्षा छूट गई है, स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, क्योंकि एडमिट कार्ड में संशोधन किया गया लेकिन इसकी जानकारी बाकी लोगों को नहीं थी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बदायूं से संवाददाता राजन पाठक जुड़ चुके हैं। राजन, क्या है पूरा मामला? मामला ये नव सिंह आचार्य इंटर कॉलेज है बवई भरपुरा में जी, जिसपे आज एग्जाम हुआ था नालापुर के नेहरू इंटर कॉलेज में, गणित का एग्जाम था जिसमें कुछ प्रवेश पत्र में होम साइंस का एग्जाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से लड़कियों का कुछ पेपर छूट गया। इसमें प्रधानाचार्य का जब जानकारी ली गई तो प्रधानाचार्य का ये कहना है कि यह प्रवेश पत्र में जो भी कटिंग की गई है वो कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा की गई है, नौवसिंह द्वारा जी। तो क्या इन बच्चों के द्वारा कहीं पे इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है? जी मैम, इन्होंने अपने जहाँ इनका एचएस कॉलेज था वहाँ इन्होंने अपने प्रधानाचार्य को शिकायत की दी थी, तो प्रधानाचार्य ने आश्वासन दिया था कि आपका प्रवेश पत्र ठीक हो गया, आप पेपर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब ये लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे तो वहाँ इनकी कोई शिकायत नहीं मिली जी। तो इस मामले पे अभिभावकों का क्या कहना है? अभिभावकों का कहना है कि ये पूरी लापरवाही हमारे स्थायी एचएस इंटर कॉलेज से की गई है, जहाँ एग्जाम सेंटर की कोई भी लापरवाही नहीं है। जहाँ हमने वहाँ के प्रिंसिपल से जानकारी ली योगेश त्रिपाठी से, दोनों का ये कहना है कि डीआईओ का आदेश है, हम बिना प्रवेश पत्र के आगे देने दें जी। तो जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही की गई है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, तो इस पे किस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए राजन? मैम इसमें तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य का एक साल का पूरा एग्जाम खराब हो रहा है, जिसमें बच्चे गेट पे इंटर कॉलेज में रो रहे थे, उनके घर वाले परेशान थे, जब वहाँ के प्रधानाचार्य कॉल की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने आश्वासन दे के टाल दिया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजन पाठक जुड़े थे बदायूं से। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ बच्चों की परीक्षा छूट गई है और एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की सामने आई है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।